आप देख रहे हैं बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर डेवकॉम, डीसी, एसएसपी जम्मू और तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अंदर है और कुछ ही समय में बाहर आ सकते हैं। और ऐसे में क्या कुछ फैसला जो होगा, क्या कुछ बात जो होगी उस पर भी जो है वो बात की जाएगी और क्या कुछ अंदर बातचीत हुई है ये भी जानने की कोशिश आप तक अपडेट हम पहुँचाते रहेंगे। जो करनी नाला का ब्रिज है उसको कम्प्लीट किया जाए, कनेक्टिविटी बनाई जाए, और जो हमारा मेन मसला था टोल प्लाजा का, क्योंकि दिल्ली से टीम आई हुई थी, टीम सर्वे करके गई, मगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए कोई पॉजिटिव कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था। उसके लिए आए थे डिपकॉम साहब, आए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सब मेंबर थे, उनसे सबसे हमारी बात हुई, युवराज सभा के प्रधान, हमारे सब रिप्रेजेंटेटिव जितने भी प्रधान साहब हैं सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने 5 तारीख तक का टाइम मांगा है कि 5 तारीख तक पहले तो करनी नाला वाला जो मसला है, करनी नाला वाला जो है वो उसका वे बना दिया जाएगा, उसमें 5 तारीख तक उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और दूसरा, विद इन डेज कल या परसों में एक हमारी टीम, 3 या 4 मेंबरी जो टीम होगी, वो टीम दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ हमारी एक मीटिंग अरेंज करवाई जाएगी 2 दिन में। उसमें हमारे जो 3-4 रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दिल्ली जाएंगे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कराएंगे। और 2 या 3 दिन में उन्होंने आश्वासन मांगा है कि 2 या 3 दिन में ये जो टोल प्लाजा वाला मसला है आप दिल्ली पहुंचिए, हम वहां से आपको हल करवा देंगे। यहां से ऑलरेडी रिपोर्ट जा चुकी है। अगर दिल्ली में भी अगर ये मसला हल नहीं हो तो आगे ट्रांसपोर्ट, आज आपने देखा है, आज तो हम सिर्फ एक अपनी झलक दिखाने के लिए आए थे, आज सिर्फ झलक दिखाने के लिए आए थे। ये ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि हमेशा आदमी को हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आज फर्स्ट टाइम हम जब बाहर निकले तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है, उसमें हमारे सारे प्रधान साहबानों, युवा राजपूत सभा की और सब प्रधान साहब विजय सिंह चावेर सबकी बात हुई, तो हमने बोला कि आज हमने जो ट्रेलर दिखाया है तो हमारे लिए रास्ते बंद नहीं हुए, हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं। और हम जाएंगे या वापस जाएंगे? नहीं, आज के लिए हमने उनसे जो बातचीत हुई है, आज हम वापस जाएंगे। और हमारा जो सांबा भाई बैठे हुए हैं, जो हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, हम उनके साथ भी मिलेंगे, वो युवा राजपूत सभा के प्रधान साहब आपको बताते हैं। तो इसके बाद जो उन्होंने टाइम लिमिट एक दी है, उस लिमिट में अगर उनके टाइम में अगर नहीं होगा तो हम, जैसे आज रैली नहीं, हमारे प्रधान साहब बोलते हैं रैला निकला था, तो इसके बाद मगर ये इस ढंग से पीसफुल रैली नहीं होगी। और जो हुआ है उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने देखा, हम 1.5-2 घंटे से हम बैठे हुए थे, तो डिपकॉम साहब ने खुद आए, उन्होंने आके ये बात बोली है। और जी 5 तारीख तक स्थगित की गई है जी, तो प्रधान साहब, हाँ जी, 5 तारीख जिहड़ा अज बड़ी चेयर ने असीं आश्वासन दिता नहीं है, क्योंकि साड़ी जम्मू की बड़ी चेयर है डिपकॉम, और असीं इस चीज़ का आश्वासन दिता गया कि जिहड़ा साड़ा पुल टुटे दा 5 तारीख तोड़ी उस पुल की वो चलाई होणगे। और साड़ी जिहड़ी सांबा टीम बैठी दी है उनके कहने भी डिपकॉम साहब की साड़ी मीटिंग होगा अज, क्योंकि अज अस जा रहे हैं सांबा टीम की आप गल करने और उन्हें डिपकॉम साहब कन्नै मिलाने या डिपकॉम साहब उत्थे जाणगे और एक गल होग। और जिहड़ा आश्वासन असीं दिता गया वो साड़ी 3-4 मेंबर कमेटी जिहड़ी साड़ी दिल्ली दे वास्ते रवाना होग, साड़ी गल होग और साड़ी गल जिहड़ी असीं लगा लगी पॉजिटिव हो, क्योंकि असीं इस गल पर आश्वासन दिता गया। और अगर साड़ी गल नहीं मनाई गई दिंदी है तो उहदे वास्ते पहले भी तुसीं आख्या जिहड़ियां साड़ियां साढ़े लोग तैयार ने जेलों भरने तैयार हो जाओ, अस उस गल पिछा पिछा नहीं है, लेकिन साड़ी जी मांगा ने वो पॉजिटिव तरीके ने दिखी जा रही और लगता कि साड़ी दवांगा जी बड़ी जल्दी जी मनोई जा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम के साथ जो है तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे इनकी बातचीत हुई, उन्होंने कुछ दिन का जो है समय मांगा और ये कहा है कि कुछ दिन के बाद जो है दिल्ली में इनके जो है मीटिंग की जाएगी और उसमें इस पर बात की जाएगी और उसका समाधान निकालने की कोशिश जो है वो की जाएगी। साफ तौर से उन्होंने कुछ समय का जो है वो टाइम मांगा है और ये बोला है कि इस पर हम ज़रूर कुछ ना कुछ जो है करेंगे और ऐसे में 5 तारीख तक का समय है और ये भी कहा है कि रोड को जल्द से जल्द ठीक करने की भी कोशिश की जाएगी। अब ये कुछ दिन के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार सरोड टोल प्लाजा को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इन रिप्रेजेंटेटिव से क्या कुछ बात करती है और क्या कुछ फैसला सुनाती है। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चम।